खबर शामिल करते हैं सहीवाल से, जहां सेक्रेटरी आरटीए वासिफ यासीन ने एलपीजी सिलेंडरों, कोरोना एसओपीज और गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतअद्दद गाड़ियों को जुर्माने किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सहीवाल से हमारे ब्यूरो चीफ सईद अहमद हाशमी की इस रिपोर्ट में। जी, मैं हूं आपका मेजबान सईद हाशमी, आप देख रहे हैं एवन न्यूज एचडी प्लस सहीवाल। इस वक्त हम खड़े हैं आरमवाला रोड सहीवाल में, जहां पे आरटीए सेक्रेटरी साहब खड़े हैं और गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से और जो भी आजकल के मसाइल हैं उनके हवाले से गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं, आपको गाड़ियों की जो सर्टिफिकेट है वो चेक कर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर एलपीजी तो नहीं भरी हुई, इसको देख रहे हैं और गवर्नमेंट की जो कोरोना वायरस के खिलाफ एसओपीज हैं उसको हम चेक कर रहे हैं, लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं, ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी हैं कि कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हम गाड़ियों में देखते हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हम हर सूरत इम्प्लीमेंट करते हैं। वासिफ साहब, अभी आपने गाड़ी को रोका है, ये ड्राइवर साहब भी खड़े हैं, क्या मसला है इस गाड़ी का, इसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आपने इसे रोका हुआ? ये एक तो इस नहीं है, जो आरा वाले पुल के लिए कोई अड्डा नहीं है, किसी अड्डे पर इन्होंने अपनी गाड़ी नहीं लगाई हुई। नंबर दो, इसके अंदर मोस्टली बंदों ने मास्क भी नहीं पहने थे, आपने लाजमी मास्क पहनने हैं, बाकी इस बंदे के पास लाइसेंस भी कुछ, जिसकी वजह से हमने ये गाड़ी बंद कर। एक और ड्राइवर हजरात खड़ा है, इधर बंदा खड़ा है, इसे भी पूछते हैं कि इनकी गाड़ी को क्या बंद कर दिया गया है, तो क्या मसला था? जी जनाब, आपकी गाड़ी को बंद किया है, क्या मसला हुआ? आपने खुद भी मास्क नहीं पहना, क्या है आपको नहीं पता कि आप मुल्की हालात जो है आपको ये चीज़ों पर अमल करना चाहिए जो आरटीए सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं? जी, एक और गाड़ी जिसको बंद किया है अभी, उनका भी ड्राइवर का यही कहना है कि अगर उनकी गाड़ी को बंद किया है तो वो सेटिस्फाइड है, उनके अंदर वो सारे लैग थे जिस वजह से उनकी गाड़ी को। हालात का लेवल ये कि ये गाड़ी वाला ड्राइवर है हमारे पास खड़ा हुआ है, जब उनसे बातें की हैं तो ये बता रहा है कि मैं कार का ड्राइवर था, आज पहली दफ़ा इधर आ गया हूँ, तो ये इतने जो 16 से 20 सीटें इधर बैठी हुई हैं लोग, उनकी ज़िंदगी का भी खुदाई हाफज है। चलें, आप मैं तमाम पैसेंजरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोरोना एसओपीज कम अज़ कम मास्क जो है वो ज़रूर पहने और अपनी जान भी बचाएं और दूसरों को भी जान बचाने का मौका दें। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें यह भी कहा था कि इल्लीगल अड्डा ख़ास तौर पर जो आरब वाला चौक में है, आपने इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी।